हेलो गाइस, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष दे। गुड मॉर्निंग, आप सभी अच्छे होंगे। आज का पहला व्लॉग, रमेश भाई अभी बीच रास्ते में है। बाहर का नज़ारा जो दिल में कुछ इस तरह बातें आए हो आपके सम्मुख में अभी रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया में कोई इंसान नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी कोई फाइल तैयार ना हुई हो। हर चीज़ की फाइल बनी हुई है, हर एक की। चाहे जैसे ही मतलब इस दुनिया में जो भी मतलब जन्म लेने वाला लड़का हो या लड़की, जो भी जन्म लेने वाला, हर एक की फाइल बनती है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी कोई फाइल ना बनी हो। अच्छे काम का, बुरे काम का, बचपन से उसका हर हिसाब किताब लिखने वाला, चाहे इस दुनिया में चाहे आसमानी जो खुदा है उसके नजरों में हमारी फाइलें बनती रहती है। हमारी फाइल मतलब जो फाइल है उसमें अच्छे काम की फाइल, बुरे काम की फाइल, भलाई करने की फाइल, दान करने की फाइल, बोलने की फाइल, झूठा बोलने की फाइल, मदद करने की फाइल, ईमानदारी की फाइल, भ्रष्टाचार की फाइल, और जो भी हम लोग काम करते हैं दोस्तों, अनगिनत ऐसी बातें हैं जो मतलब वहाँ एक ऐसा कैमरा लगा है, वहाँ हर चीज़ का मतलब हमारे हिसाब किताब लिखा जाता है दोस्तों। तो ऐसे दुनिया में हमारे हर एक कामों का जो वहाँ लिखावट स्पेशल मतलब वहाँ जो क्लार्क रखा हुआ है वहाँ वो लिखने वाला, वो हमेशा वहाँ हमारी पूरा रात की बात हो या दिन की बात हो, जो भी हमारे जितने भी मोमेंट है हर चीज़ का हमारा हिसाब किताब वहाँ उस किताब में लिखा जाता है। तो दोस्तों, ये मेरे जहन में बात है। जैसे मान लो अब हम लोग जैसे मान लो छोटे होते हैं तो माँ बाप के नज़रों में हम लोग मतलब कैसे पले बड़े, वो हम लोग जब कह के बताता है, वो जो हमारी बचपन की बातें जब हमारे मम्मी पापा जो कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं, हमारा मॉम डैडी जब कहते हैं कि बेटा तू बचपन में ऐसा था वैसा था, तू बहुत मतलब शरारती था, तू बहुत चंचल था, ऐसे जब ये माँ बाप की नज़रों में हमारी फाइल कैसी है। जब हम लोग जैसे स्कूल में जाते हैं तो हम लोग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ की फाइल जैसे टीचरों की नज़र में, हम टीचरों की नज़र में जब पहली क्लास में एंट्री करते हैं तो वहाँ हमारा मूवमेंट कैसा था, हम पढ़ने में कैसे थे, हम बोलने में कैसे थे, हम शर्मीले थे या चंचल थे या बोलने में तेज थे या कैसे थे, वो वहाँ स्कूल की फाइल। उसके बाद मित्रों के बीच की फाइल, हम लोग जहाँ जिस मित्रों के बीच में तो मतलब रमत गमत की फाइल हो, दौड़ने की फाइल हो, खाने की फाइल हो, या ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं जो हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस स्कूल में हम रहते हैं, जिस कलेसिया में हम जाते हैं, जिस लोगों के बीच में हम मिलते हैं, ऐसे हमारी जो हर एक मोमेंट की जो बातें वहाँ बनती रहती है। तो दोस्तों, ये जो मेरे जहन में ये बात आई कि हम लोग ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा देखने वाला कोई नहीं है, हमें मतलब को प्यार करने वाला नहीं है, या हम दूसरे के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर हम लागनी रखने वाले नहीं है, मोहब्बत रखने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जैसे मान लो शादीशुदा इंसान है तो वो हमारी जो पति की फाइल है पत्नी की नज़र में रहती है, पत्नी की फाइल पति की नज़र में रहती है, और फिर परिवार हो जाता है तो फिर बच्चे लोगों के नज़रों में हम लोगों मतलब जैसे माँ बाप हम कैसे हैं तो बच्चों की नज़रों में हमारी फाइल कैसी है। मतलब माँ प्यार करने वाली है या बाप मतलब प्यार करने वाला है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, या हमें हमेशा मतलब जैसे मतलब धिक्कारने वाला है, या मतलब डराने धमकाने वाला है, या ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं दोस्तों, हमारा डैडी कैसा है, हमारा मम्मा कैसा है, वो सब ऐसा हम एक दूसरे के नज़र में हमारी, इसलिए कहते हैं इस दुनिया में हमारी फाइल जो है हर एक के नज़रों में
में हमारे मित्र के नज़र में कैसी हमारी फाइल है, जहाँ जिस जगह में हम लोग नौकरी करते हैं तो वहाँ हमारी हमारी फाइल मतलब हमारे मूवमेंट कैसा है, हमारा हाव भाव कैसा है, नौकरी के जगह में हम कैसे हैं, अगर हम नौकरी करते हैं तो कैसे हैं, अधिकारी को नज़रों में हम लोग कैसे हैं। वो दोस्तों तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो सफर है ना, वो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे इस पृथ्वी के ऊपर हमारी जो फाइल मतलब जो लिखी जाती है, हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो काम है, इसका यही है कि मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारा हर मूवमेंट मतलब अच्छा रहे, हमारा कोई गुणगान गाए, हमारी कोई तारीफ करे, क्योंकि दोस्तों दुनिया में हम लोग जो है ना कि हमारी कोई तारीफ करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अगर हमारी कोई बुराई करे तो हम लोग को मतलब बहुत बुरा लगता है कि यार हमने तो ऐसा काम नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा काम अच्छा होता है लेकिन हमारा जो कोई ऐसा है जो हमारे के ऊपर बहुत सबसे ज़्यादा चाहत रखने वाला भाई ऐसा कर देता है कि मतलब वो हमारी जो तारीफ करना चाहिए ना वो उल्टी तारीफ कर देता है, हमारे बारे में मतलब अच्छा शब्द बोलने के बजाय वो हमारा बारे में जब बुरा शब्द बोल देता है। तो दोस्तों इसलिए दुनिया में ऐसा है कि हम लोग को ऐसा इसलिए दिल के ऊपर इतना कोई हमारे जी लिए जो कोई ऐसी बात जो है ही नहीं, जैसा हमने काम कोई ख़राब किया ही नहीं, अगर कोई हमारी बुराई कर दे तो दोस्तों वो बुरा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारे में अगर कोई बुराई होगी तो वो हमें टच करेगा, अगर हमारे में कोई बुराई है ही नहीं तो वो शब्द हमें लागू नहीं होगा। इसलिए दोस्तों दुनिया में यही है कि और कोई हमारी तारीफ ही करे ऐसा और नामुमकिन बात है। दोस्तों दुनिया में सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि तारीफ करने का बात होगा तो भी कोई कभी कभी कोई लोग मतलब तारीफ नहीं करते या उसमें सहमत नहीं होते, हमारा कोई गुणगान गाए कि यह बंदा अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा मतलब अच्छा हमारे बारे में बोलेगा तो भी वो उसको मतलब वो उसका दिल को मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, दुनिया में जो भी है जैसे भी है, अपने हमें दुनिया में जो दिन मिले हैं बस अच्छे से जी जाना चाहिए बस। और दोस्तों और मैं क्या कहूँ कहानी के लिए बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। अभी जैसा मेरा चैनल के बारे में बहुत सारा ऐसी बातें हैं जो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ पर ला नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, आएगा, वक्त तो अभी बहुत है, खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। दोस्तों आप लोगों के सामने आने के लिए देर जरूर है, देर से सही है, लेकिन हम अच्छा अच्छे अच्छे बातों को लाएंगे। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस यही कि बस अब हर कोई मेरे जो मुझे सपोर्ट करने वाले भाई बहन जो भी छोटे बड़े हर लोग जो है हमें हम आपके लिए यही शुभ सामना चाहते हैं। आप अच्छे रहो, खुशी रहो, आनंद में रहो, बस इंजॉय करते जाओ बस। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि अभी ये बातें जो बोली है ये बातें मैं भी कभी दूसरी बार कभी ऐसा सुनूंगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वीडियो जो मैं बनाता हूँ और फिर बाद में जब उसको देखता हूँ तो मुझे भी बहुत मतलब अच्छा लगता है, बहुत मुझे भी कभी कभी तो मैं खुद ही अपने पर हंसता हूँ क्योंकि दोस्तों दुनिया में कैसे भी हो हर इंसान अपने अपने बारे में कभी अपने काम किए हुए कभी पछताता है, कभी खुशी होता है, कभी आनंद करता है। तो ये दोस्तों मैं अपने प्लेस में आ गया हूँ, अभी मेन रोड आ जाएगा इसलिए मुझे अभी ये वॉक को यहाँ ही पूरा करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।